स्वागत है आप सभी का माई गैजेट एक्सपीरियंस में। दोस्तों, फुल एचडी प्रोजेक्टर में ऑन कंपनी की M18 और AKI-6 अपनी पिक्चर क्वालिटी और फीचर के कारण काफी फेमस हुए, और सच कहूं तो वाकई में दोनों प्रोजेक्टर बेहतरीन है। कुछ दिन पहले ही मैंने Seagood LS525 प्रोजेक्टर का रिव्यू किया था, जो कि एक इंडियन ब्रांड है। इसकी भी पिक्चर क्वालिटी, स्टीरियो स्पीकर्स और अन्य एडवांस फीचर इसे बजट रेंज में एक वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्टर बनाती है। इस वीडियो में इन तीनों प्रोजेक्टर का कंपैरिजन करेंगे, तो सबसे पहले इनके बीच सिमिलर स्पेसिफिकेशंस को देखें। तो तीनों प्रोजेक्टर फुल एचडी एलसीडी प्रोजेक्टर है। तीनों ही प्रोजेक्टर 4K वीडियो को सीधे प्ले नहीं कर सकता, और न ही 3D वीडियो को 3D इफेक्ट के साथ प्ले कर सकता है। मैनुअल कीस्टोन और मैनुअल फोकस तीनों प्रोजेक्टर में है। तीनों प्रोजेक्टर में HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, AV पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिनेमा जैसे एक्सपीरियंस के लिए तीनों ही प्रोजेक्टर के स्पीकर्स सफिशिएंट नहीं हैं। अब तीनों प्रोजेक्टर्स में डिफरेंसेस देखें, तो तीनों ही प्रोजेक्टर को सरफेस या सीलिंग में माउंट कर सकते हैं। लेवल एडजस्टमेंट जहां M18 और AKI-6 में केवल सामने की तरफ दिया है, वहीं LS525 में आगे और पीछे भी दिया है। दोनों प्रोजेक्टर के मुकाबले LS525 में कंट्रोल बटन्स साइज में बड़े बड़े दिए हैं, जो यूज करने में आसान है। अब इनके पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो M18 में ब्राइटनेस 5500 ल्यूमेंस का है, AKI-6 में 5800 और Seagood LS525 में 6800 ल्यूमेंस है, जबकि कंट्रास्ट रेशियो M18 की 2000:1, AKI-6 की 2000:1 और LS525 की 4000:1 है। ये सभी ऑन पेपर कंपैरिजन है। एक्चुअल क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी तीनों की ही बहुत अच्छी है, कलर्स और कंट्रास्ट एक्सीलेंट है, लेकिन M18 और LS525 में इमेज ज़्यादा ब्राइट और शार्प दिखाई देता है, जिससे बड़ी स्क्रीन पर इमेज प्रोजेक्ट करके देखने में आसानी होती है, जबकि AKI-6 की पिक्चर कम ब्राइट, कम शार्प या हल्का ब्लर दिखाई देता है। स्पीकर को देखें तो ऑन पेपर M18 और AKI-6 में 5 वाट पावर आउटपुट के स्पीकर हैं, तो वहीं LS525 में 5-5 वाट के दो स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जिनका टोटल पावर आउटपुट 10 वाट है। AKI-6 के स्पीकर की साउंड क्वालिटी सबसे अच्छी है, साउंड क्लियर है, लाउड है और बेस भी अच्छा है, लेकिन M18 और LS525 के स्पीकर की साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। कनेक्टिविटी की बात करें तो तीनों ही प्रोजेक्टर में जरूरी कनेक्टिविटी पोर्ट्स USB, VGA, HDMI, AV और AUX पोर्ट मिल जाएंगे। अगर Android वर्जन है तो LAN पोर्ट भी मिल जाएगा। ऑन M18 और AKI-6 में मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिल जाएंगे, लेकिन Seagood LS525 में मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है। अब कुछ एडवांस फीचर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक जूम, इलेक्ट्रॉनिक कीस्टोन और इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर एडजस्टमेंट फीचर AKI-6 और Seagood LS525 दोनों ही प्रोजेक्टर में मिल जाएंगे, जबकि ये फीचर्स M18 प्रोजेक्टर में नहीं मिलेंगे। ऑटो कीस्टोन और गायरो हॉरिजॉन सिर्फ Seagood LS525 प्रोजेक्टर में ही मिलेंगे। ये ऐसे फीचर हैं जो महंगे प्रोजेक्टर में ही मिलते हैं। M18 और AKI-6 बेसिक वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन दोनों में उपलब्ध है, जबकि Seagood LS525 सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन में उपलब्ध है। अंत में दोस्तों, तीनों ही फुल एचडी प्रोजेक्टर बजट कैटेगरी में बहुत अच्छे प्रोजेक्टर हैं। तीनों ही कुछ मामलों में अच्छा परफॉर्म करता है, तो कुछ कमी भी है। टीवी, मूवीज और होम एंटरटेनमेंट के लिए तीनों ही प्रोजेक्टर का यूज किया जा सकता है। बढ़िया एक्सटर्नल स्पीकर और होम थिएटर का यूज करके तीनों ही प्रोजेक्टर के ऑडियो क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, एजुकेशनल पर्पस के लिए तीनों प्रोजेक्टर में से Seagood LS525 बेस्ट है। फिर भी आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं आप किन फीचर्स को प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए जो भी प्रोजेक्टर खरीदें, बजट और अपनी रिक्वायरमेंट को जरूर ध्यान में रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।